हेलो गाइस, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पीरियड्स के कितने दिन बाद सेक्स करना चाहिए, पीरियड्स के कितने दिन बाद आप सेक्स करने से कंसीव हो जाएगा, तो ये टॉपिक पे आज बात करेंगे। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है किस दिन अगर आप सेक्स करते हैं, रिलेशन रखते हैं, देन आप इजीली कंसीव कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है अगर कोई कंसीव करना चाहता है। तो जब भी आपका पीरियड्स होता है, पहले तो आपको पता कर लेना चाहिए आपका पीरियड्स का लेंथ जो है कितना दिन का होता है। अगर आपका पीरियड्स का लेंथ जो है 28 डे है या 30 डे है तो आपके लिए इजी होगा कौन सा दिन आपका ओव्यूलेशन होता है ये जान पाना। तो पीरियड्स का बाद आप कब सेक्स करने से कंसीव होता है, तो आपको जो बेस्ट डे होता है आपका ओव्यूलेशन डे या आपका फर्टाइल डे। तो अगर आपका, मान लीजिए आपका पीरियड्स जो है 30 दिन का है, उसे आप 14 दिन माइनस कर लीजिए तो 16 दिन होता है, 16 दिन ही आपका ओव्यूलेशन होगा। उस हिसाब से आपको 11 दिन से लेकर 17 दिन तक इंटरकोर्स करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए। आप कंफर्टेबल है तो डेली कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक एक दिन गैप करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उससे पहले आप सेक्स नहीं कर सकते हैं, उससे पहले आप कर सकते हैं, जब आपका पीरियड्स बंद हो जाता है तब से आप कर सकते हैं। ये जो 6-7 दिन होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, उसी टाइम आपका फर्टाइल डे स्टार्ट हो जाता है और उसी टाइम आपका ओव्यूलेशन होता है। अगर आप ओव्यूलेशन के दौरान रिलेशन रखते हैं तो आपका कंसीव हो जाता है, अदरवाइज अगर आप महीना भर भी, अगर आप ओव्यूलेशन डे को स्किप कर देते हैं, महीना भर भी रिलेशन रखेंगे, आपका कंसीव कभी भी नहीं होगा। तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है आपका ओव्यूलेशन डे जो है कब होता है, उसी दिन आप संबंध में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओव्यूलेशन डे क्या होता है। जब आपका ओवरी से एग्स बनता है, हर महीने आपका ओवरी में एग्स बनता है और वो एग्स बड़ा होता है, फिर वहाँ से निकलता है, रप्चर होता है, उसे ओव्यूलेशन प्रक्रिया कहते हैं। तो वो ओवरी से निकल के फॉलोपियन ट्यूब आता है, फॉलोपियन ट्यूब में 24 से लेके 48 आवर तक ज़िंदा रहता है, उसी के अंदर में आपको रिलेशन बनाना होता है। तो अगर आपका ओव्यूलेशन डे ट्रैक कर पाएंगे देन उसी हिसाब से आप इंटरकोर्स कीजिए, आपका इजीली कंसीव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स के बाद ये कुछ दिन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे भी बहुत सारा सवाल होता है, मुझे भी बहुत टाइम बहुत सारा सब्सक्राइबर जो है मैसेज करते हैं, क्या पीरियड्स का 4 दिन से अगर हम रिलेशन रखेंगे तो कंसीव हो जाएगा। देखिए, 4 दिन में जो रिलेशन रखने से कंसीव जो होगा ये मतलब पॉसिबिलिटी जो है बहुत लो है, क्योंकि आपका पीरियड्स का 4 दिन में तो ओव्यूलेशन होगा नहीं, तो कैसे कंसीव हो पाएगा। तो ये समस्या होता है। अगर आप 4-5 दिन में रिलेशन रखते हैं, आपका वही महीना 7-8 दिन में ओव्यूलेशन हो जाता है, देन पॉसिबिलिटी है कि आपका कंसीव हो जाए, क्योंकि हस्बैंड का स्पर्म जो होता है जब एक महिला का शरीर में जाता है देन वो 3 से लेके 5 दिन तक जीवित रहता है। तो उसी के अंदर में अगर आपका ओव्यूलेशन हो जाता है देन आपका फर्टिलाइज हो जाएगा, इजीली कंसीव हो जाएगा। तो ये कंसीव होने का जो बेसिक ट्रिक्स है ये होता है, देन ये डिपेंड करता है आपका कब ओव्यूलेशन हो रहा है, उस हिसाब से आप इंटरकोर्स करने से, सेक्स करने से आपका कंसीव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीनू हेल्थ।